सादे अल्फाज में बात करें तो इस्लामोफोबिया इज हेट्रेड और प्रेजिडिस और बायसनेस टुवर्ड्स द परसेप्शन ऑफ मुस्लिम्स। ठीक है, अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम एक चीज ये देखते हैं कि इस्लाम जैसे कि हमारी मेथोडोलॉजी है सीईपीआई की ओवरऑल, उस पर हम इस टॉपिक को रिलेट करते हैं। हमारी मेथोडोलॉजी क्या है कि हम हर टॉपिक से रिलेटेड स्टैट्स ऑफ फैक्ट्स पढ़ते हैं, कोटेशंस रिलेवेंट पढ़ते हैं, डायग्राम्स, टाइमलाइंस, मैप्स, बुक रेफरेंसेस, जितना कुछ हो सकता है ना जो आपके पेपर में इम्पैक्ट डाल सकता है, तो वो हम देखते हैं अपने लेक्चर के अंदर और उसको हम स्पेशली टारगेट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम इस टॉपिक से रिलेटेड स्टैट्स ऑफ फैक्ट्स देखते हैं जो आपने अपने पेपर में लाजमी कोट करने हैं। ठीक है, इसको जरूर नोट डाउन करें और मैं आपके साथ पढ़ूंगा, आप लोगों ने भी पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टैट ऑफ फैक्ट देखते हैं। 48% ऑफ कैनेडियंस एंड 52% ऑफ अमेरिकंस होल्ड एडवर्स व्यू ऑफ मुस्लिम्स अकॉर्डिंग टू अ गैलप सर्वे। ठीक है, तो ये देखें आप क्या परसेप्शन है मुस्लिम्स की इन कैनेडा एंड अमेरिका। फिर अगला स्टैट पढ़ते हैं, $200 million वर यूज्ड बाय 33 ग्रुप्स टू पुट अ रॉन्ग नैरेटिव अगेंस्ट मुस्लिम्स अकॉर्डिंग टू द काउंसिल फॉर इस्लामिक अमेरिकन रिलेशंस। ठीक है, तो ये भी देखें आप कितना शॉकिंग स्टैट ऑफ फैक्ट है, राइट। थर्ड स्टैट ऑफ फैक्ट के ऊपर आते हैं, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे कैरिड आउट इन 2019 66% ऑफ पोलैंड, 64% ऑफ चेकोस्लोवाकिया, 58% ऑफ हंगरी, 22% ऑफ फ्रांस and 18% of UK still believes in adverse stereotypes about Muslims. तो ये भी एक आपका overall holistic stat of fact है कि European countries में किस तरह से adverse views हैं Muslims के बारे में। Lastly हम देखते हैं, average hate crimes are 8,000 per year against Muslims in the US. तो ये देखें कितना ये great और shocking number है एक तरह से और unfortunate number है, right? तो I hope आप सब लोगों ने ये note down किया होगा और एक बड़ा एक जनरल और इम्पोर्टेंट कोट हम मार्टिन लूथर किंग का पढ़ते हैं जो आप अपने अगर आप एसए आए या करंट अफेयर का पार्क अफेयर में भी आ जाता है तो आपने जरूर पुट इन करना है इन चीजों को। तो क्या कोटेशन है, हेट डिस्ट्रॉयज अ मैन्स सेंस ऑफ वैल्यूज एंड हिज ऑब्जेक्टिविटी। तो ये आप एक जनरल कोट है जो आप इस टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, सबको समझ आ गई है, आगे चलें, सबने नोट डाउन कर लिया। जी मुझे बताइएगा, राइट। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं हम। तो थोड़ा सा हम इसका कॉन्टेक्स्ट बना लेते हैं कि इस्लामोफोबिया कहाँ पे अभी रिसेंट पास्ट में हम देखते हैं कि किस तरह इसकी इसका अपहीवल हुआ है और किस तरह से हम एक एनहांस फॉर्म ऑफ इस्लामोफोबिया देखते हैं। तो किस तरह से हम ये पढ़ते हैं कुछ टर्म्स जो आपको याद रखना जरूरी है, रीसेंट अपहीवल ऑफ रेसिज्म, जेनोफोबिया, फार राइट सेंटिमेंट्स, बिगेट्री, एथनोसेंट्रिसिज्म एंड प्रेजुडिस। तो ये सारे टर्म्स जो है वो इनका एक ही मतलब है, एक तरह से सिमिलर टर्म्स हैं, ये रेसिज्म से ही रिलेट करते हैं सारे जो टर्म्स हैं हमारे। ठीक है, तो ये आपने जरूर अपने ये जार्गन यूज करने जब भी आप ये सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमने ये लिखा हुआ है कि वेव्स ऑफ पॉपुलिज्म अल्ट्रा नेशनलिज्म अराउंड द ग्लोब। किस तरह से अगर हम एक ओवरव्यू लें पूरे ग्लोबल अरीना का, उसमें हम ये देखते हैं कि ऑलमोस्ट आपको हर कोने पे जो है एक अल्ट्रा नेशनलिस्ट गवर्नमेंट, एक क्या कहते हैं पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट जो है बहुत सारी जगह पर नजर आती है। यूके में बोरिस जॉनसन है, ठीक है, यूएस में जो एक्स प्रेसिडेंट थे उनके डोनाल्ड ट्रंप, उनकी हमने सबने स्पीचेस और उनकी इंटरेक्शंस देखी हुई है, राइट। हंगरी में है विक्टर ऑर्बन, ठीक है, उसके अलावा हमारे रीजन के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनकी हमने हरकत देखी है। तो किस तरह से अल्ट्रा नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, रेसिस्ट सेंटिमेंट्स, ठीक है, पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट्स, ये बड़े कॉमन हमें नजर आते हैं रिसेंट टाइम्स के अंदर, इनका बड़ा अपहीवल हुआ है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि रिसेंट पास्ट के अंदर इस तरह से ये इन चीजों ने किस तरह से जन्म लिया और ज्यादा से ज्यादा ये उजागर किए गए हैं। ठीक है, मैक्रॉन का बिल्कुल
सही है, आप बिल्कुल कह रहे हैं, फ्रांस में भी सेंटीमेंट है, बहुत सारी एग्जाम्पल है, ठीक है, नेवर एंडिंग आ जाती है इसके अंदर, राइट। उसके बाद हम देखते हैं जॉर्ज फ्लॉयड की किलिंग ने लास्ट ईयर जो है वो एक बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रोवर्सी तो नहीं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि बहुत बड़ी मूवमेंट को बोस्टर किया। इस तरह से हमने देखा है ग्लोबल प्रोटेस्ट हुए, ग्लोबल मूवमेंट्स निकली पूरी पूरी, और इस पूरे रेसिज्म के आइडिया को ब्रेक करने की कोशिश की कि इसको इनफ इज इनफ, इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है, इन शैकल्स को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। तो हमने जॉर्ज फ्लॉयड के मर्डर के बाद ये सेंटिमेंट भी उजागर होते रहे हमने नजर आया, ठीक है। फिर रेसिज्म अंडर द गार्ड ऑफ कोविड-19, किस तरह से जो चाइनीज नेशनल्स थे और जो बाकी हमारे और ममालिक, जिस तरह कोरिया है, फिलीपींस हैं, और इस तरह के ममालिक हैं जो बेसिकली सिमिलर लगते थे, उनके ऊपर हेट अटैक्स हुए बेसिकली, ठीक है, जिसमें स्टैबिंग केसेस आए, जिनको उनका नेम कॉलिंग हुई, और ये रेसिज्म की एक और हमने बड़ी खराब एक इमेज देखी। और सबसे रिसेंट तो हम देखते हैं फ्रांस के अंदर किस तरह से इस्लामोफोबिया के सेंटीमेंट थे, कैनेडा में एक दो इंसिडेंट इस तरह से आए, ठीक है, जहाँ पे इस्लामोफोबिया के पूरे कॉन्सेप्ट को एक रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए हमें नजर आई, ठीक है। तो ये इस्लामोफोबिया का तो आई थिंक आप लोग न्यूज में भी सुनते रहते होंगे और आपके सामने भी गुजरा होगा इस्लामोफोबिया के जो रिसेंट इंसिडेंट्स हैं किस तरह से उनमें बढ़ते चले जा रहे हैं। How we can link racism to Islamophobia? देखिए, Islamophobia is basically racism. Racism एक concept है, एक, ठीक है? उसी के अंदर Islamophobia का concept आता है, ठीक है? Islamophobia, अगर कोई Islamophobia की sentiments रखता है, anti-Islam sentiments रखता है, तो he or she is basically a racist person, ठीक है? तो इस तरह हम link करते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम इस जो इस्लामोफोबिया का हमारा टर्म है इस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं और इसकी थोड़ी सी हिस्टोरिकल एनालिसिस करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर नॉट नेसेसरीली आपको सवाल आए, बट आप अगर एक हिस्टोरिकल ब्रीफ बैकग्राउंड अपने इंट्रोडक्शन के अंदर लिख लेते हैं तो वो बड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगा एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है। तो इसको भी आपने जरूर नोट डाउन करना। तो सबसे पहला इसका जो यूज था दैट वॉज बाय टू पेंटर्स, ठीक है, जिनका नाम आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इन देयर 1918 बायोग्राफी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये बायोग्राफी उन्होंने फ्रेंच में लिखी थी, एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम दे यूज द टर्म इस्लामोफोबी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये टर्म यूज होता हुआ नजर आया। सेकेंड उस पर जाते हैं, इंग्लिश के अंदर का भी टर्म यूज आया, द फर्स्ट रिकॉर्डेड यूज ऑफ द टर्म इन इंग्लिश अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफर्ड इंग्लिश डिक्शनरी was in a 1923 article in the Journal of Theological Studies, ठीक है। तो ये हमारा English के अंदर सबसे पहले Islamophobia का term जो use हुआ वो नजर आया, right? Third इसमें बात करते हैं, Kofi Annan जो कि ex UN Secretary General भी थे, he asserted at a 2004 conference entitled Confronting Islamophobia that the word Islamophobia had to be coined in order to take account of increasingly widespread bigotry, ठीक है। तो formalize होते रहे, हमें नजर आ रहा है टर्म आहिस्ता आहिस्ता transition, देखें over the years किस तरह से इस टर्म्स की transition हुई, और आज के दौर में हम ये देखते हैं कि 2021 में हम मौजूद हैं तो किस तरह से इस्लामोफोबिया का ऑलमोस्ट हर किसी को ही पता होता है, शायद चंद साल पहले हमें खुद भी इस जो टर्म है उसका मतलब नहीं पता होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, मुझे बताएं सबको समझ आ रही है अभी तक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा सर, मैंने मतलब बीच में क्वेश्चन भी किया कि हम कैसे लिंक कर सकते हैं इस्लामोफोबिया को ना रेसिज्म के साथ, क्योंकि जॉर्ज फ्लॉयड का जो था मेरे ख्याल में वो ब्लैक और वाइट का मसला था ना, हाँ। तो इसको हम कैसे लिंक करेंगे इसके साथ? अच्छा, मतलब इस्लामो, क्योंकि आपने कर लिया कि जो रेसिस्ट होता है, मतलब जी सर काइंडली बताएं। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए मैं आपका सिर्फ कॉन्टेक्स्ट बना रहा था, ये तब आप लिंक करेंगे जॉर्ज फ्लॉयड को सेपरेटली एक्सप्लिसिटली अगर आपसे इस्लामोफोबिया प्लस रेसिज्म का सवाल आता है। अगर तो इस्लामोफोबिया का सवाल आ रहा है ना, आपने फिर जॉर्ज फ्लॉयड को ऑब्वियसली नहीं जिक्र करना, अगर सोली इस्लामोफोबिया के ऊपर अगर हमारा सवाल आ रहा है, फिर आप रिसेंट इंसिडेंट्स को कोट करें, हिस्ट्री बताएं जो हम आगे पढ़ रहे हैं ना, उनको आप ज्यादा कोट करें, ठीक है सर? थैंक यू सर, थैंक यू, कोई मसला नहीं। आगे चलते हैं,
ये आप डायग्राम अपने पेपर के अंदर बना सकते हैं, जरूर इसको भी नोट डाउन करें, ठीक है, किस तरह से इसमें अनफेवरेबल व्यूज ऑफ मुस्लिम्स का बताया गया है और किस तरह से एक चार्ट बनाया गया है, ठीक है, सारे ममालिक हैं इसमें मौजूद, कितने सारे, पोलैंड है, चेक रिपब्लिक है, हंगरी है, ग्रीस है, लिथुएनिया है, इटली, स्पेन, स्वीडन, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, तो इन सारे ममालिक में आप देखते हैं कि एडवर्स व्यूज अबाउट मुस्लिम्स और अनफेवरेबल व्यूज अबाउट मुस्लिम्स वो किस तरह से, उनकी क्या परसेंटेज है, राइट, सबने एक दफा देख लिया, आगे बढ़े इसको इसके साथ, जी मुझे बताइए, यस सर, यस सर, राइट, आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि वेयर डज इस्लामोफोबिया कम फ्रॉम, कहां से बेसिकली जनरेट होता है, किस एरिया से जनरेट होता है, ठीक है, उसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि मीडिया रिप्रेजेंटेशन, कि मीडिया किस तरह से रिप्रेजेंट करता है मुस्लिम्स को और इस्लाम को, तो इसमें हम पढ़ते हैं मेरे साथ साथ आपने पढ़ना है सबने, द यूएस मीडिया ओवर एम्फसाइजेस नेगेटिव कवरेज एंड न्यूज पर्टेनिंग टू मुस्लिम्स एंड इस्लाम लीडिंग टू एन एग्जैजरेटेड सेंस ऑफ थ्रेट एंड कॉन्सिक्वेंटली फेयर एंड हेट. An academic study covered by the Washington Post found that in a four-year period, 12% of domestic attacks conducted by Muslims received, on average, 449% more media coverage than 88% of attacks committed by others. ठीक है? तो ये आप देखें कितना एक dismal situation है media representation की, किस तरह से over और exaggeration किस्म की representation दी जाती है Muslims को मेनस्ट्रीम मीडिया के अंदर, ठीक है. सेकंड हम देखते हैं पॉलिटिकल रेटोरिक, पॉलिटिशियंस प्ले ऑन पीपल्स इमोशंस एंड एक्सप्लॉइट देयर फियर टू एक्टिवली इंस्टिगेट इस्लामोफोबिया व्हेन इट सर्व्स देयर ओन पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स, ठीक है. तो हमने ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा है, इंडिया के अंदर देखा है, यूएस के अंदर देखा है, और भी ममालिक के अंदर देखा है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेनिंग वोट वो लोग पॉलिटिशियंस जो हैं वो किस तरह जिस बात को इंस्टिगेट करते हैं लोगों को, ठीक है. तीसरे उस पर देखते हैं वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट्स, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं. ऑल्दो वायलेंट ग्रुप्स लाइक आइसिस टारगेट एंड मर्डर मोर मुस्लिम्स देन एनी अदर्स, दीज ग्रुप्स कंटिन्यू टू कलर अमेरिकन परसेप्शंस ऑफ इस्लाम एंड ऑल मुस्लिम्स, ठीक है. तो आइसिस को एक सेपरेट वो दे देते हैं प्रोजेक्शन और एग्जैजरेशन भी करते हैं कि ये है भाई, ये है द ट्रू इमेज ऑफ इस्लाम, तो ये है और ये बड़े बुरे लोग हैं वगैरह वगैरह, ठीक है. फोर्थ पे हम क्या देखते हैं, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी. अब हम एनालाइज करते हैं कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी हमेशा से थोड़ी सी टिल्टेड रही है, किस तरह से इस्लामोफोबिया इज फ्रीक्वेंटली यूटिलाइज्ड बाय द यूएस टू जस्टिफाई इट्स फॉरेन पॉलिसी इन मुस्लिम मेजोरिटी रीजन ऑफ द वर्ल्ड. फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर प्रेजिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश फेल्ड वॉर ऑन टेरर विच decimated Iraq, ठीक है. The policy was presented to the American public as essential for freedom and safety. तो किस तरह एक देखें artificial way में एक सिर्फ बेवकूफ बनाया जाता है अपनी आवाम को, पूरी दुनिया को, कि हम तो protection के लिए जा रहे हैं और हमारी foreign policy जो है वो सही direction पे है, और हालांकि on the contrary हम देखते हैं कि उसके motives basically कुछ और होते हैं और negative होते हैं, right? आखिरी हम देखते हैं यूएस इस्लामोफोबिया नेटवर्क, ये क्या चीज है. एन इन्फ्लुएंशियल मल्टी मिलियन डॉलर नेटवर्क ऑफ ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स इन द यूएस हु फॉल्सली कास्ट इस्लाम एंड मुस्लिम्स एज अ मेलवोलेंट एक्जिस्टेंशियल थ्रेट एंड वर्क एक्टिवली टू प्रमोट प्रेजुडिस डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन टुवर्ड्स द फेथ एंड इट्स प्रैक्टिशनर्स. इसका मैंने आप लोगों के साथ स्टैट भी एक शेयर किया था कि 200 मिलियन डॉलर किस तरह से यूज हो रहे हैं टुवर्ड्स डिफेमिंग इस्लाम by some networks in the US. तो ये उसी को elaborate करता हुआ एक briefing है, ठीक है. इसमें कह रही है कि violent extremism repeat कर दें, मैं violent extremism आपको वो कर देता हूँ, ठीक है. violent extremism इस तरह से है कि हम सबको पता है कि terrorists का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन western media basically इस तरह paint करती है Muslims को कि ये सारे ही शायद इनकी ideology extremist है और ये सारे ही एक टेररिस्ट टिल्ट रखते हैं अपने अंदर, तो बेसिकली वो आईसिस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट करते हैं उनको, मीडिया एग्जैजरेशन करते हैं उनके साथ,
ताकि लोगों को वेस्टर्न लोगों को और वेस्टर्न वर्ल्ड को ये लगे कि इस्लाम और मुस्लिम का तो यही इमेज है. ठीक है, आई होप अब क्लियर है आपको. मुझे बताइएगा क्लियर है आप. Yes, sir. बाकी सबको क्लियर है ये वाले चीजें. ठीक है ठीक है, सबको क्लियर है. अब हम आगे चलते हैं. ठीक है, जब तक सबको क्लियर नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे. राइट, आई थिंक सबका यस का जवाब आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं. अब हम बड़े इंपॉर्टेंट मोड पे आ जाते हैं लेक्चर के. क्या बात होती है, वेज टू काउंटर इस्लामोफोबिया. ठीक है, क्या क्या तरीके हैं इस्लामोफोबिया काउंटर करने के. कुछ तो एक जनरलाइज तरीके हैं जो आप भी अगर क्रिटिकली थिंक करें तो शायद आप भी इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं. उनको हम पहले पढ़ते हैं. क्या कौन कौन से, रोल ऑफ ग्लोबल मुस्लिम कम्युनिटी एंड लीडर्स इन प्रोजेक्टिंग द ट्रू इमेज ऑफ इस्लाम. मुझे नहीं लगता मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्योंकि दिस इज वेरी मच सेल्फ एविडेंट. सेकंड हम देखते हैं, रोल ऑफ मीडिया इन हाईलाइटिंग हेट क्राइम्स अगेंस्ट मुस्लिम्स एंड प्रमोटिंग इस्लाम एज अ मॉडल ऑफ पीस. जो हमारा मीडिया है, जो रीजनल मीडिया है या जो मुस्लिम मीडिया है, उसको चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी प्रोजेक्शन करे, पीसफुल प्रोजेक्शन करे. राइट, थर्ड इसमें हम देखते हैं, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट इस्लामोफोबिया. जो सिविल सोसाइटी हमारे एनजीओज हैं और भी जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको चाहिए कि वो अवेयरनेस फैलाएं और डिस्ट्रीब्यूशन करें इस्लामोफोबिया की, एंटी इस्लामिक जो सेंटिमेंट्स हैं उनको कर्ब या कटेल करने के लिए. ठीक है, लास्ट पॉइंट हम अपना देखते हैं क्या है, ऑर्गेनाइजिंग कोलेशंस ऑफ कम्युनिटी लीडर्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट कल्चरल एथनिक religious groups and community sectors such as schools, businesses, etc. to examine existing policies and determine what needs to be changed. ठीक, coalition बनाए, community work करें. community में अगर हम साथ intellectuals को लें, educators को लें, ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, media representation हो, तो Islamophobia और anti-Islamic sentiments को कम किया जा सकता है. right? अब हम अपनी अगली बात करते हैं. अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जामिनर के ऊपर इम्पैक्ट भी डालेगा और स्टैंड आउट करने के लिए आपको एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी इस चीज से, कि मलिया लोधी जो कि हमारी एक्स एम्बेसडर भी है, उन्होंने बेसिकली 2019 में एक 6-point प्लान प्रपोज किया था. राइट, एक यूएन के इवेंट के ऊपर. उस इवेंट का क्या नाम था, काउंटरिंग टेररिज्म एंड अदर एक्ट्स ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ. ठीक है, तो हम बेसिकली उन 6 points को देखते हैं और ये 6 points आपने जरूर अपने पेपर के अंदर भी डालने. ठीक है, तो 6 point क्या है हमारे, लेजिस्लेशन बाय कंट्रीज टू एड्रेस रेसिज्म एंड फेथ बेस्ड हेटरेट. ठीक है, सबसे पहले पॉइंट. सेकंड क्या है, मॉनिटरिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू प्रिवेंट हेट स्पीच एंड नेगेटिव स्टीरियोटाइपिंग. सोशल मीडिया को अच्छी प्रोजेक्शन उस पर करें. ठीक है, और उसको मॉनिटर करें. अ फोकस स्ट्रेटजी टू काउंटर इस्लामोफोबिया, एक फोकस्ड क्यूमुलेटिव स्ट्रेटजी हो. ठीक है, कंसेंसस बिल्डिंग करें ताकि इस्लामोफोबिया के पूरे सेंटिमेंट्स को कम किया जाए. फिर क्या है, इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च टू आइडेंटिफाई रूट कॉजेज ऑफ रिलीजियस हेट्रेड. ठीक है, इन्वेस्टमेंट डाले रिसर्च के अंदर ज्यादा से ज्यादा. इंक्रीज्ड एंगेजमेंट ऑफ वुमेन एंड यूथ. ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जितने आप सेगमेंट्स को सोसाइटी को होलिस्टिकली कवर करेंगे और उनको ऑन बोर्ड लेंगे, उतना आपकी बेहतर से बेहतर रिप्रेजेंटेशन होगी. राइट, फिर लास्टली क्या है हमारा, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन. ठीक है, एजुकेशन ज्यादा ज्यादा पढ़ाएंगे, परसेप्शन अच्छी होगी, जो मुस्लिम्स हैं वो ज्यादा ज्यादा ग्रूम्ड और एक्सपोज होंगे तो ऑब्वियसली परसेप्शन भी बेहतर होगी. तो आई डोंट थिंक इसमें कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज थी, बड़ा सिंपल तरीके में मलिया लोधी ने बयान किए थे अपने 6 points और वो आप अपने पेपर में लिख सकते हैं. ठीक है, रफिया नमाज के टाइम पे हम आते हैं, थोड़ा सा ही हमारा वैसे लेक्चर बचा है, जल्दी से कवर अप करते हैं फिर हम नमाज का भी ब्रेक, क्या आप लोगों को अगर टाइम चाहिए तो वो भी कर लेते हैं. ठीक है, खदीजा मैं आपके सवाल पे आता हूँ. अच्छा, एक लास्ट जो काउंटर तरीका, काउंटर करने का बड़ा अच्छा तरीका है, वो आप एक और इम्प्रेस कर सकते एग्जामिनर को ये एग्जाम्पल देके, के 26 सितंबर 2018 को यूरोपियन पार्लियामेंट ने ब्रसल्स के अंदर एक काउंटर इस्लामोफोबिया टूलकिट लॉन्च की थी. ठीक है, क्या थी वो टूलकिट, क्या सजेशन थे उनके अंदर. इट हैड द गोल ऑफ कॉम्बैटिंग द ग्रोइंग इस्लामोफोबिया अक्रॉस द यूरोपियन यूनियन एंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू नेशनल गवर्नमेंट्स एंड अदर पॉलिसी मेकर्स, सिविल सोसाइटी एंड द मीडिया. ठीक है,
based on the most comprehensive research in Europe. It examines patterns of Islamophobia and effective strategies against it in 8 member states. It lists 10 dominant narratives and 10 effective counter narratives. So, ये पूरी toolkit बनाई थी जिसमें वजहें बताई थी, ठीक है, और उनके counter narratives बताए थे, ठीक है. The approach taken in the counter Islamophobia toolkit is a 4-step one. 4 steps इस पूरे toolkit के. सबसे पहले defining the misinformed narratives based on flawed logic. Flawed logic के ऊपर narratives उनको counter किया जाए. Documenting them, उनको highlight किया जाए कि ये fake है या ये exaggerated है. Deconstructing these ideas to expose the flaws. And finally, reconstruction of mainstream ideas about Islam and Muslims, one closer to reality. ठीक है, projection हो वो बेहतर से बेहतर हो. दोबारा से वो बात करते हैं. The dominant ideas circulating in popular culture should reflect the diverse everyday experiences of Muslims and their faith. Right? तो हम ये बड़े अच्छे हमारे पास तरीके आ गए हैं और बड़े अच्छे हमारे पास counter strategies आ गई हैं. अब हम अपने आखिरी पॉइंट के ऊपर आते हैं जो कि हमारा बुक रेफरेंस है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर आपके ऊपर ऐसे आता है आपके पास या करंट अफेयर्स के अंदर आता है तो आप इस बुक को जरूर कोट कर सकते हैं. ठीक है, क्या नाम है बुक का? इस्लाम थ्रू वेस्टर्न आइज बाय जोनाथन लायंस. ठीक है, क्या कहते हैं उस बुक के अंदर, इसका क्रक्स मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ. वो ऑथर जो है इस बुक में ये बात करते हैं कि देयर हैज ऑलवेज बीन सर्टेन ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स हु स्टैंड टू बेनिफिट फ्रॉम द नेगेटिव इमेज ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स इन नेगेटिव सोसाइटीज. ठीक है, कुछ ऐसा सेगमेंट हर सोसाइटी में है जो कि नेगेटिव इमेज ऑफ इस्लाम या मुस्लिम से फायदा उठाते हैं, बी एट पॉलिटिकल, बी एट सोशल, बी एट इकोनॉमिक. ठीक है, तो उससे वो फायदा उठाते हैं. ठीक है, तो ये ऑथर ये बात करते हैं. फिर क्या कहते हैं, डिस्पाइट द वेस्ट्स ग्रोइंग इन्वॉल्वमेंट इन मुस्लिम सोसाइटीज कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कल्चर्स, इट्स इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड और एनालाइज द इस्लामिक वर्ल्ड थ्रेटन्स एनी प्रॉस्पेक्ट फॉर ईस्ट वेस्ट अप्रोच. Impelled by 1,000 years of anti-Muslim ideas and images, the West has failed to engage in any meaningful or productive way with the world of Islam. ठीक है, basically इसमें यही बात होती है कि West ने बहुत कोशिश की है कि वो integrate करें या penetrate करें in the Muslim society, लेकिन उनके हमेशा से motives खराब होते हैं. ठीक है, इस तरह से उन्होंने फिर बताया कि जो Crusades का दौर था तब से उनकी यही basically ideology थी. फिर न्यूज रूम ऑफ फॉक्स न्यूज एंड CNN में भी ये बात होती है और एंटी इस्लामिक डिस्कोर्स ही बताया जा रहा होता है मुस्लिम्स के बारे में. तो बेसिकली ये वेस्ट का एक नेवर एंडिंग लूप या ट्रैप है जिससे वेस्ट भी नहीं निकल सकता क्योंकि उनको बहुत फायदा पहुंचता है इस चीज का. ठीक है, दिस टॉपिक कैन ऑल्सो ओवरलैप इन इस्लामिक स्टडीज कोर्स. बिल्कुल बिल्कुल, आप इस्लामिक स्टडीज कोर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. राइट, चार्जेस वगैरह बिल्कुल, आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उससे आप चार्जेस पता कर सकते हैं. मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात ही बताता जाऊं कि क्योंकि हमारा डेमो लेक्चर वीक चल रहा है तो बेसिकली हमारी इंग्लिश ऐसे पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामिक स्टडीज की कैपेसिटी जो है वो 60-70% फिल हो चुकी है. बेसिकली हमारा लिमिटेड क्लास साइज है ताकि हमारा इंडिविजुअल मेंटोरशिप और इंडिविजुअल डिस्कशन और इंडिविजुअल जो हमारी वैल्यूएशन है वो उसमें हम सक्सीड कर पाए. तो हमारी लिमिटेड सीट्स हैं विच आर लिमिटेड टू 12 स्टूडेंट्स पर बैच, तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे है. तो अगर आप लोग चाहते हैं रजिस्टर करना तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द व्हाट्सएप नंबर.